Hello everyone and a very warm welcome to Siksha. So guys, here we are with current affairs and development issues and 11 MCQs iske andar hum dekhenge, important MCQs rahenge for your APFO, EPFO, APFC and AOEO. Alright, so questions ko as usual, ek reminder hai ki question jab dekho, do solve it by yourself and uske baad solution dekho. Ek bar video ko pause karke uska देखो जरूर कि हाँ क्या आंसर होना चाहिए, कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो या छोड़ दोगे उस क्वेश्चन को, ठीक है, मार्क करो उसको. बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन गाइस, गो अहेड विद दिस एमसीक्यू कॉम्बो कोर्स. ठीक है, 300 रुपए का कोर्स है, कोई वैल्यू नहीं होती 300 रुपए आपके एग्जाम के आगे. आपको कोड यूज करना है यूपीएससी ईपीएफओ. ओके, सो आफ्टर डिस्काउंट आपको 300 रुपीज का पड़ता है और इसके अंदर जो भी आपके पीडीएफ फाइल्स है ना YouTube के, वो इंक्लूडेड रहेंगे YouTube पे जो लेक्चर्स हो रहे हैं. अगर आप MCQ कोर्स नहीं लेना चाहते हो तो आप सिर्फ और सिर्फ PDF के लिए भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है. लेट अस क्विकली स्टार्ट नाउ. पहला क्वेश्चन देखते हैं. अकॉर्डिंग टू द विजन डॉक्यूमेंट ऑफ द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन जो नवम्बर 2022 में रिलीज हुआ था, डैश टॉप द चार्ट इन टर्म्स ऑफ EPFO कवरेज. ठीक है, कौन सी स्टेट ने ईपीएफओ कवरेज की टर्म्स में टॉप किया है विजन डॉक्यूमेंट के अंदर ईपीएफओ के. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन कैन बी कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ योर लेबर लॉ एज वेल. ओके, एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर लॉ आईआर से रिलेटेड भी इसको आप कंसीडर कर सकते हो, बट करंट डिराइव्ड रहेगा ये डेफिनेटली. तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन डी, दिल्ली. दिल्ली ने बेसिकली टॉप किया है ईपीएफओ कवरेज के अंदर. तो थोड़ा सा डेटा स्पेसिफिक ये पार्ट है, इसको हम डिटेल के अंदर भी करेंगे. विजन डॉक्यूमेंट को अभी तक मैंने डिटेल में एक्सप्लोर नहीं किया है, ये तो न्यूज़पेपर में से न्यूज देख करके क्वेश्चन अभी बना है. अभी इसको विजन डॉक्यूमेंट को डिटेल में भी एक्सप्लोर करेंगे. अगर इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होगी तो उसको आने वाले लेक्चर्स के अंदर जरूर हम कवर अप करेंगे. हाल फिलहाल आपको जो पॉइंट्स यहाँ पर जो बेसिकली कवरेज थी उसमें देखेंगे कि दिल्ली ने चार्ट में टॉप किया है इन ईपीएफओ कवरेज. अराउंड 61.5% जो वर्किंग पॉपुलेशन है दिल्ली की वो सोशल सिक्योरिटी एम्बिट के अंडर कवर्ड है, जो काफी एक अच्छा परसेंटेज है. लोएस्ट भी याद रखेंगे, जैसे हाईएस्ट पूछा गया है वैसे लोएस्ट भी पूछा जा सकता है. तो लोएस्ट में आपका सबसे लो त्रिपुरा का है, त्रिपुरा के बाद लोएस्ट में नेक्स्ट आता है असम और उसके बाद नेक्स्ट आता है मेघालय. तो लोएस्ट त्रिपुरा के अंदर है. और अगर हम टॉप की बात करें तो दिल्ली, दिल्ली के बाद गोवा सेकेंड नंबर पे है और हरियाणा थर्ड नंबर के ऊपर है. तो दिल्ली, गोवा, हरियाणा टॉप थ्री, त्रिपुरा, असम और मेघालय बॉटम थ्री. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज नेशनल सॉलिडैरिटी डे 2022 ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया. नेशनल सॉलिडैरिटी डे बेटा सेलिब्रेट किया जाता है आपका 20th अक्टूबर 2022 को. नेशनल सॉलिडैरिटी डे बेसिकली है किस चीज से रिलेटेड? तो नेशनल सॉलिडैरिटी डे सेलिब्रेट किया जाता है उस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए जहां जब चाइना ने 1962 में इंडिया पे सडनली अटैक कर दिया था ना, उस डे को सेलिब्रेट करता है आपका नेशनल सॉलिडैरिटी डे. और ये फिर वॉर अराउंड 1 मंथ तक चला था, फाइनली नवंबर में चाइना ने सीज फायर डिक्लेयर किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर. तो यूनिफॉर्म सिविल कोड भी करंट अफेयर्स के अंदर चलता रहता है क्योंकि कोई ना कोई इसके ऊपर आर्टिकल आ जाता है न्यूज़पेपर में या कोई ना कोई मिनिस्टर इसके ऊपर कुछ बोल देता है. अब देखो, अब जो सेंटर के अंदर सरकार है, बीजेपी जो गवर्नमेंट है, उनके तो मैनिफेस्टो के अंदर ये है ही है ना कि हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर के आने हैं, वो तो ये बोलते ही है, तो ये न्यूज में कंटिन्यूअसली रहता है. तो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या बोलता है कि वन लॉ फॉर द एंटायर कंट्री, जो सारी रिलीजियस कम्युनिटीज के ऊपर इक्वल होगा. दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि आर्टिकल 44 क्या बोलता है कि स्टेट को, स्टेट शॉल एंडेवर, यानी कि स्टेट शॉल ट्राई टू सिक्योर अ यूसीसी. स्टेट का अल्टीमेट एम होना चाहिए कि वो एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर के आए, और ये आर्टिकल 44 में लिखा है, जो आपके डीपीएसपीज हैं बेसिकली, है ना. तो कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है? तो यहाँ पर आपका जो है दोनों स्टेटमेंट, दोनों बेटा करेक्ट है, पहला भी और दूसरा भी. देखो, यूनिफॉर्म सिविल कोड तो आप समझते ही हो कि अल्टीमेटली देखो अभी जो पर्सनल लॉज होते हैं, जैसे मुस्लिम लॉज हो गए या पारसी लॉज हो गए, ठीक है, अभी वो अलग अलग कम्युनिटीज अपने अपने, जैसे मैरिज से रिलेटेड, तलाक से रिलेटेड अलग लॉज होते हैं, तो
बेसिकली यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या होगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जो डाइवोर्स का प्रोसीजर होगा वो सबके लिए सेम होगा, जो मैरिज के रूल्स होंगे वो सबके लिए सेम होंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर, ओके। और ये आर्टिकल 44 जो डीपीएसपी है उसके अंदर भी हाईलाइटेड है। तो आंसर यहाँ पर आपका जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, दैट बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। नाउ यूनिफॉर्म सिविल कोड एम्स टू प्रोवाइड फॉर वन लॉ फॉर द एंटायर कंट्री, जो हर रिलीजियस कम्युनिटी के ऊपर होगा, चाहे वो मैरिज है, डाइवोर्स है, इनहेरिटेंस के लॉज हैं, एडॉप्शन के लॉज हैं। और आर्टिकल 44 के अंदर जो लाइन आपकी स्टेटमेंट 2 में थी वो एज इट इज लिखी हुई है। इंडिया के अंदर कुछ कानून हैं अभी भी जो यूनिफॉर्म कोड का मेथड फॉलो करते हैं सिविल मैटर्स में, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सिविल प्रोसीजर कोड, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, ये ऐसे लॉज हैं जिसके अंदर आपके पर्सनल लॉज फॉलो वैसे भी नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो ये लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड का क्या टारगेट है कि ओवरऑल इसको किया जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन ग्लोबल प्रोग्राम टू एंड चाइल्ड मैरिज, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट है कि ये यूनिसेफ और यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड का डायरेक्ट इनिशिएटिव है। दूसरा, इट प्रमोट्स एडोलेसेंट गर्ल्स, एडोलेसेंट्स बेसिकली 11 टू 18 एज ग्रुप के गर्ल्स, टू अवर्ट मैरिज एंड प्रेगनेंसी, बेसिकली चाइल्ड मैरिज और चाइल्ड प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए एंड उनके एजुकेशन को एनकरेज करने के लिए। तीसरा है कि ये प्रोग्राम को गवर्नमेंट ऑफ बेल्जियम, कनाडा, इटली, इंडिया सपोर्ट करते हैं। आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पर अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो ग्लोबल प्रोग्राम टू एंड चाइल्ड मैरिज, तो देखो चाइल्ड मैरिज की बात आ गई तो चाइल्ड मैरिज के साथ साथ एजुकेशन का कंसर्न कहीं ना कहीं आ जाता है। तो अगर मेरे को नहीं भी पता ना इसका आंसर, तो मुझे इतना तो आइडिया लग जाता है कि सेकेंड स्टेटमेंट तो होगा ही होगा। तो सेकेंड स्टेटमेंट अगर होगा तो ऑप्शन सी एलिमिनेट हो जाता है। अब मेरे पास तीन ऑप्शन बचते हैं, अब तीनों में मुझे फैक्ट्स पता होंगे तब मैं आंसर कर सकता हूँ, नहीं तो नहीं कर सकता। पहला स्टेटमेंट आपका जो है वो सही है, यूनिसेफ और यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड इसके अंदर आ जाता है, और सेकेंड स्टेटमेंट भी आपका सही है। तो प्रोग्राम यूनिसेफ और यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड का डायरेक्ट इनिशिएटिव है चाइल्ड मैरिज को एंड करने के लिए और एडोलेसेंट गर्ल्स के राइट्स को एनकरेज करने के लिए, ओके। तो ये तो एज इट इज स्टेटमेंट उन्होंने कॉपी पेस्ट कर दिया। उसके बाद इसका सपोर्ट में इंडिया जो था आपके क्वेश्चन में थर्ड ऑप्शन, इसीलिए गलत था क्योंकि इसमें इंडियन गवर्नमेंट का अभी तक कोई सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है। इसमें जो सरकारें इन्वॉल्व हैं वो है बेल्जियम, कनाडा, इटली, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, यूके, यूरोपियन यूनियन एंड जोंटा इंटरनेशनल। तो इंडिया इसके अंदर नहीं है, इसीलिए वो पहला थर्ड स्टेटमेंट गलत था। 2016 में बेसिकली यूनिसेफ ने यूएनएफपीए के साथ इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है इन कंट्रीज में। बेसिकली सपोर्ट जो लॉन्च है वो इन कंट्रीज में है, उसमें वन ऑफ द कंट्री इंडिया भी है, अलॉन्ग विद बांग्लादेश, बुर्किना फासो, इथियोपिया, घाना, मोजम्बिक, नेपाल, नाइजर, सियारा लियोन, युगेंडा, येमेन। बट इंडियन गवर्नमेंट का एज सच इसके अंदर सपोर्ट, जो बेसिकली एक तो होता है ना फाइनेंशियल सपोर्ट करना या रिसोर्सेज के साथ सपोर्ट करना, वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई थी किसकी चेयरमैनशिप के अंडर। इस कमेटी का काम क्या था कि ये बेसिकली जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका जो असेसमेंट और एक्रेडिएशन प्रोसीजर है उसमें इम्प्रूवमेंट लेकर के आ सके। ऑप्शन ए के राधाकृष्णन, बी जितेंद्र के बेरा, सी मृदुल हजारिका एंड डी ए सोमनाथ झा। फैक्चुअल क्वेश्चन है, या तो आता है या नहीं आता है, फालतू इसके अंदर दिमाग लगाने का कोई फायदा है ही नहीं। आंसर है ऑप्शन ए के राधा कृष्णन। सो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कमिटी बनाई थी के राधा कृष्णन के अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम से रिलेटेड स्टेटमेंट्स गिवन है जो आपको कंसीडर करनी है। नंबर वन, द प्रोग्राम इज द इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, अच्छा जी। दूसरा कहता है कि प्रोग्राम विल इंक्लूड 3 सब स्कीम्स, बायोगैस प्रोग्राम, वेस्ट टू एनर्जी प्रोग्राम एंड बायोमास प्रोग्राम। तो बेसिकली ये नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम के अंदर 3 सब स्कीम्स आते हैं, ये बोल रहा है सेकेंड पॉइंट आपका। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। आंसर है सी, दोनों स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं। तो नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का ही प्रोग्राम है, याद रखेंगे इसको। इसके अंदर बेसिकली प्रोग्राम क्या बोलता है, देखो देश के अंदर बोलता है कि ह्यूज सरप्लस बायोमास है, ठीक है। अब हमारे यहाँ पर रूरल पॉपुलेशन, रूरल इकोनॉमी है, कैटल डंग बेतहाशा प्रूफ जो है प्रोडक्शन हो रही है,
इंडस्ट्रियल और अर्बन बायो वेस्ट भी बहुत ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो अल्टीमेटली अपने पास बायोमास तो बहुत ज्यादा अवेलेबल है, जिससे आप अल्टीमेटली बायो एनर्जी या क्लीन एनर्जी को क्रिएट कर सकते हो। तो कैसे इस बायोमास को, सरप्लस बायोमास को यूज किया जाए, वो ये नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम टारगेट करता है। क्योंकि जब आप इस सरप्लस बायोमास को, इस वेस्ट को, बायो वेस्ट को यूज करोगे, तो उससे एक फायदा और होगा कि आपकी जो सिटीज हैं, आपके जो विलेजेस हैं, उसके अंदर क्लीनलीनेस जो है वो बढ़ेगी। अब ये जो नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम है ना, इसके अंदर कुछ सब स्कीम्स आ जाती हैं। जैसे सबसे पहले वेस्ट टू एनर्जी प्रोग्राम। वेस्ट टू एनर्जी प्रोग्राम क्या कहता है कि जितना अर्बन, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल वेस्ट है, एग्रीकल्चरल वेस्ट में क्या आ जाता है, जब आपकी फसल कट जाती है, जो बच जाता है पराली, जिसको अल्टीमेटली फार्मर जलाता है, और जलाने से नुकसान क्या होता है, एनवायरमेंट को भी लॉस होता है और एग्रीकल्चरल लैंड का भी नुकसान होता है। तो अल्टीमेटली अगर आप इस एग्रीकल्चरल वेस्ट को प्रोडक्टिव मैनर के अंदर यूज कर पाओ, तो ये फार्मर को रिटर्न भी देगा, जिससे उसकी इनकम भी बढ़ेगी, ठीक है, और एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करेगा। तो वेस्ट टू एनर्जी प्रोग्राम क्या टारगेट करता है कि अर्बन, इंडस्ट्रियल और जो एग्रीकल्चरल वेस्ट है, उसको डील किया जा सके, एक पूरे का पूरा सेटअप क्रिएट किया जा सके, लार्ज बायोगैस, बायो सीएनजी और लार्ज पावर प्लांट्स एस्टेब्लिश किए जाएं, जिससे अल्टीमेटली इस वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सके। नेक्स्ट आ जाता है आपका बायो मास प्रोग्राम। अब ये जो बायो मास प्रोग्राम है, ये क्या है, ये बेसिकली जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिकेट्स एंड पैलेट्स, बेसिकली क्या होता है, जैसे आपके बायोमास है, ठीक है, आपने उसके अंदर बहुत सारा जो है एग्रीकल्चरल या इंडस्ट्रियल वेस्ट डाला, उससे क्या होगा, अब एक मशीन होगी, वो उस वेस्ट को, अभी तो आपने रॉ वेस्ट डाला ना, उसको छोटे छोटे पैलेट्स में कन्वर्ट कर देगी। इस तरह के छोटे छोटे पैलेट्स दिखते हैं पत्थर जैसे। अल्टीमेटली उन पैलेट्स को यूज किया जा सकता है एनर्जी जनरेशन के लिए। जैसे आप अभी कोल का इस्तेमाल करते हो पावर जनरेशन के लिए, फिर आप वो पैलेट्स का इस्तेमाल कर सकोगे पावर जनरेशन के लिए। तो बायोमास प्रोग्राम क्या बोलता है कि ऐसे में जो पैलेट्स हैं या ब्रिकेट्स हैं, ईंटे जैसा दिखते हैं, जिसको अल्टीमेटली आप एज अ सोर्स ऑफ पावर यूज कर सकते हो, वो बनाने में यूज करेंगे। एंड देन देर इज बायोगैस प्रोग्राम। बायोगैस प्रोग्राम क्या है, सपोर्ट सेटिंग अप ऑफ फैमिली एंड मीडियम साइज बायोगैस प्लांट्स इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में अगर बहुत बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग या बहुत बड़े वेस्ट टू एनर्जी प्रोग्राम्स आप नहीं इस्टेब्लिश कर पा रहे हो, तो छोटे फैमिली मीडियम साइज, जो बेसिकली वहां के लोकल लोग ही जिसको ऑपरेट कर सकें, उस तरह के बायोगैस प्रोग्राम्स को एनकरेज किया जाएगा। तो ये तीन प्रोग्राम्स हैं आपके नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू अमेंडमेंट्स ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। अभी पिछले साल ही सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स किए थे, तो उससे उसके ऊपर ये क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि द इलेक्टोरल बॉन्ड शॉल बी वैलिड फॉर 10 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। जब भी आपका इलेक्टोरल बॉन्ड इशू हो गया एक बार, तो उसके बाद वो 10 दिन के अंदर अंदर आप उसको यूज कर सकते हो, उसके बाद फिर उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। नो पेमेंट इज गिवन टू एनी पॉलिटिकल पार्टी इफ द इलेक्टोरल बॉन्ड इज डिपॉजिटेड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द वैलिडिटी पीरियड। अब किसी पॉलिटिकल पार्टी जिसको बेसिकली ये इलेक्टोरल बॉन्ड मिला है, अगर वो अपने जो एक्सपायरी पीरियड है, जैसे स्टेटमेंट वन में बोला ना 10 दिन, अगर उस एक्सपायरी पीरियड में उन्होंने डिपॉजिट ना कराया, तो फिर उनको कोई पैसा नहीं मिलेगा, बॉन्ड खत्म हो जाएगा। द इलेक्टोरल बॉन्ड डिपॉजिटेड बाय एन एलिजिबल पॉलिटिकल पार्टी इन इट्स अकाउंट शॉल बी क्रेडिटेड ऑन द सेम डे। आज अगर पॉलिटिकल पार्टी ने अपने अकाउंट में इलेक्टोरल बॉन्ड लगाया, तो आज ही उसके अकाउंट में पैसा आ जाना चाहिए। ये थर्ड स्टेटमेंट है। इनमें से कौन सा करेक्ट है, ये आपसे पूछा है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन ए, 2 एंड 3 ओनली, सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ये 10 डेज वाला पीरियड गलत है, ठीक है। तो एक बार डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम 2018 में इंट्रोड्यूस हुई थी। पहले क्या होता था, कैश डोनेशंस होते थे डायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टीज को, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के अंदर क्या था कि अगर किसी को किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करना है, तो अल्टीमेटली वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू होगा। ओके, अब कुछ चेंजेस इसके आए हैं। अब इसकी जो वैलिड पीरियड है वो 15 डेज कर दी गई है, 15 डेज, नॉट 10 डेज, 15 दिन की हो गई है। और अगर जैसे आज किसी पॉलिटिकल पार्टी को बॉन्ड मिल गया, तो उसको वो 15 दिन के अंदर अंदर लेकर के जाना है बैंक में। अगर वो उसको 15 दिन की एक्सपायरी के बाद लेकर के जाते हैं, तो फिर उसको कोई भी पेमेंट नहीं मिलेगी, ठीक है। और जैसे ही वो अकाउंट में लगाएंगे, सेम डे उनके अकाउंट में पैसा
आ जाएगा। ओके, अब इसके अंदर ऐसा नहीं है कि कोई भी आपने पॉलिटिकल पार्टी आज खड़े होकर बना दी कि मेरी पॉलिटिकल पार्टी है तो चलो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में से पैसा मेरे पास भी आएगा। ऐसे तो लोग अब पॉलिटिकल पार्टी बना बना करके ब्लैक मनी को छुपाने के लिए इसका यूज करना शुरू कर देंगे। तो सिर्फ वो पॉलिटिकल पार्टीज जो सेक्शन 29A RPA एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड है और जिनके पास कम से कम 1% वोट आया था लास्ट जनरल इलेक्शंस में, ठीक है, लोकसभा में या किसी स्टेट गवर्नमेंट की लेजिस्लेटिव असेंबली में 1% वोट कम से कम आया था, तो वो ही एलिजिबल होते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स रिसीव करने के लिए। रेस्ट ऑफ देम आर नॉट एलिजिबल। 8th क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ, ये भी एक अच्छा है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, करंट हैपनिंग्स के साथ जो रिलेट करता है। ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव, पहला स्टेटमेंट है कि ये एक सेफ मैरीटाइम कॉरिडोर प्रोवाइड करता है। मैरीटाइम कॉरिडोर यानी कि समुद्री रास्ता, सेफ मैरीटाइम कॉरिडोर प्रोवाइड करता है फूड ग्रेन एक्सपोर्ट्स के लिए फ्रॉम यूक्रेन पोर्ट्स। यूक्रेन के जो पोर्ट्स हैं उनसे फूड ग्रेन को एक्सपोर्ट करने के लिए रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में। द डील इज ऑर्गेनाइज बाय द WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ऑल कंट्रीज बॉर्डरिंग द ब्लैक सी आर मेंबर्स ऑफ दिस इनिशिएटिव। जो जो देश ब्लैक सी को टच कर रहा है वो इसके मेंबर्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, अपने से इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछिए, गलत कौन सी है। करेक्ट आंसर यहां पर दोस्तों होगा ऑप्शन सी, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो देखो आप जानते हो यूक्रेन और रशिया की लड़ाई चल रही है। ओके, तो अल्टीमेटली यूक्रेन जो है, यूक्रेन फूड ग्रेन प्रोडक्शन उसकी काफी हाई है और वो काफी ज्यादा एक्सपोर्ट भी करता था वॉर से पहले। तो अब बाकी देशों को ऐसा लगा कि यार यूक्रेन में लड़ाई चल रही है तो बाकी कंट्रीज के सप्लाई के ऊपर काफी ज्यादा फर्क पड़ जाएगा, तो इसीलिए यूनाइटेड नेशंस और टर्की ने एक डील साइन की, ठीक है, जिसको उन्होंने बोला ब्लैक ग्रेन इनिशिएटिव। इसका अल्टीमेट एम क्या है कि एक सेफ कॉरिडोर प्रोवाइड किया जाएगा, जो भी यूक्रेनियन एक्सपोर्ट्स है ना फूड ग्रेन्स के, वो सेफली एक्सपोर्ट करने में टर्की हेल्प करेगा अपने 3 पोर्ट्स, जो बेसिकली यूक्रेन के 3 पोर्ट्स हैं, चोरनमोर्स्क, ओडेसा, ओके, एंड यूजिनी। तो ये पोर्ट्स के नाम याद करने की आपको जरूरत नहीं है। बेसिक आइडिया इसका क्या है कि जो सप्लाई के अंदर हिंड्रेंस आई है उसको कैसे डील किया जा सके, ओके, ताकि फूड इन्फ्लेशन ना आ जाए दुनिया में। जहां जहां पर वो सप्लाई कर रहा था वहां वहां पर फूड इन्फ्लेशन ना आ जाए ना यूक्रेन जहां पर सप्लाई करता था, क्योंकि यूक्रेन हैज बीन वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ व्हीट, मेज, रेपसीड, सनफ्लावर सीड्स, सनफ्लावर ऑयल, ठीक है। तो इसीलिए बेसिकली ये ब्लैक ग्रेन इनिशिएटिव को लाया गया। क्वेश्चन, विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ न्यू सैटेलाइट कैरिंग रॉकेट GEM-100, GHAEM-100? रशिया, इंडोनेशिया, यूएई, ईरान। अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन है, द करेक्ट आंसर गाइज इज ऑप्शन डी, ईरान। ईरान का ये रॉकेट कैरिंग बेसिकली सैटेलाइट कैरिंग रॉकेट है, बेसिकली जो सैटेलाइट को अल्टीमेटली स्पेस के अंदर छोड़ता है। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है G20 के ऊपर, और G20 के ऊपर या तो APFC में या AOEO में एक ना एक पेपर में तो G20 पे क्वेश्चन आएगा आएगा, लिख करके ले लो, लिख करके ले लो, आएगा, ठीक है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंस रहेगी इसकी इस साल के लिए। सो पहला स्टेटमेंट है इंडिया करंट प्रेसिडेंट है G20 ग्रुप ऑफ नेशंस का। दूसरा कहता है कि इस साल का जो थीम है वो 3 पिलर्स के ऊपर फोकस्ड है, पीपल, प्लैनेट, प्रॉस्पेरिटी। तीसरा कहता है कि इटली और इंडोनेशिया इंडिया के साथ इस जी आर पार्ट ऑफ G20 ट्रॉयका। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। A1 and 2, B2 and 3, C1 and 3, D1, 2 and 3। तो करेक्ट आंसर यहां पर आपका क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, 1, 2 and 3 ओनली, 1, 2 and 3 ओनली। ओके, सो देखो इंडिया करंट प्रेसिडेंट है इसीलिए इस साल ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और क्वेश्चन आने के चांसेस होंगे। तो G20 का सबसे पहले तो जो लोगो है, इट ड्रॉज इंस्पिरेशन फ्रॉम वाइब्रेंट कलर्स ऑफ इंडिया फ्लैग। जो लोगो इस बार डिजाइन हुआ है ना उसके अंदर इंडिया का नेशनल फ्लैग का सेफ्रॉन भी आपको मिलेगा, व्हाइट भी मिलेगा, ग्रीन भी मिलेगा, ब्लू भी मिलेगा, ठीक है। और इसके अंदर एक प्लैनेट अर्थ है विद लोटस, जो इंडिया का नेशनल फ्लावर है, जो क्या रिफ्लेक्ट करता है, ग्रोथ एमिड चैलेंजेस की, जो मुश्किल समय है मुश्किल समय में भी ग्रोथ को हाईलाइट करता है। अर्थ जो है वो इंडिया की प्रो प्लैनेट अप्रोच को रिफ्लेक्ट करती है,
बेसिकली कि ग्रोथ शुड बी इन हार्मनी विद नेचर। तो बेसिकली लोगों को भी एक तरीके से यहां पर रिफ्लेक्ट कर दिया, प्लैनेट को भी रिफ्लेक्ट कर दिया और ग्रोथ को भी रिफ्लेक्ट किया। G20 लोगों के नीचे टर्म लिखी हुई है भारत देवनागरी स्क्रिप्ट के अंदर, एंड थीम जो है इस साल की G20 प्रेसिडेंसी का वो है वसुधैव कुटुंबकम, बेसिकली विच इज वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, एंड इंडिया इटली इंडोनेशिया G20 ट्रॉयका का पार्ट है। बेसिकली G20 ट्रॉयका क्या होता है, पास्ट प्रेजेंट एंड इनकमिंग, ठीक है। पिछले साल की G20 प्रेजिडेंट इटली था, करंट ईयर का इंडिया है और नेक्स्ट ईयर का इंडोनेशिया होगा, तो इस तरीके से ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू ग्लाइफोसेट। पहला स्टेटमेंट है कि ये एक सेलेक्टिव पेस्टिसाइड है जो पेस्ट ग्रोथ को कंट्रोल करता है। दूसरा कहता है नॉन थ्रेटनिंग है ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स के लिए, यानी कि ह्यूमंस और एनिमल्स में बिल्कुल भी इस तरह इसके पेस्टिस इसका कोई असर नहीं होगा। आपको बताना है कौन सा इनकरेक्ट है, वन टू बोथ नीदर। आंसर है दोस्तों सी, दोनों स्टेटमेंट्स आपके इनकरेक्ट हैं। अभी रिसेंटली हुआ क्या था, सेंटर ने ग्लाइफोसेट के ऊपर बैन लगाया था, इसके यूज को रेस्ट्रिक्ट कर दिया था फार्मर्स के लिए। ये बेसिकली पेस्टिसाइड नहीं है, हर्बिसाइड है जो वीड्स वगैरह को कंट्रोल करता है, ठीक है, एंड वाइड रेंज ऑफ वीड्स को कंट्रोल करने में ये यूजफुल है। ये नॉन सेलेक्टिव है, नॉन सेलेक्टिव क्यों, क्योंकि ये काफी सारे प्लांट्स को किल कर देता है, और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर ने एक नोटिफिकेशन भी इशू की थी जिसमें बोला है कि ये काफी ज्यादा हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्की होता है ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के लिए, और इसी के लिए इसके ऊपर रिस्ट्रेन जो है वो लगाया गया। तो मेनली आपने क्या याद रखना है कि एक तो ये हर्बिसाइड है, नॉन सेलेक्टिव है बिकॉज इट किल्स मोस्ट ऑफ द प्लांट्स, एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने इसके ऑपर क्या लगाया, रिफ्रेन लगाया। ऑलराइट, सो विद दिस गाइज वी आर डन विद दिस पर्टिकुलर लेक्चर। आई होप यू गाइज एंजॉयड इट, एंड कोई भी डाउट हो प्लीज डू शेयर इट इन टू द कमेंट सेक्शन, या टेलीग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।